हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास सिक्स मैथ्स का चैप्टर नंबर एट डेसिमल, उसकी एक्सरसाइज 8.3। न्यू एडिशन में हमारा ये 8.3 है, लेकिन हमारा ओल्ड एडिशन में 8.5 था। सभी क्वेश्चन सेम है, आप मैच कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 8.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है, सम। सम मतलब प्लस करना है, बहुत ही सिंपल है। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना आना चाहिए प्लस माइनस करने के लिए, तो हम इजीली सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। आगे वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें भी हमें प्लस ही करना है, कुछ खास नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो फर्स्ट हमें देखो ये दे रखा है, इसमें हमने इसको प्लस करना है। सबसे पहले जो ज्यादा नंबर की डिजिट है ना, काउंट कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों ही जो है 4 4 है, तो कोई भी एक ऊपर लिख लो, इससे थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, प्लस में तो आप कोई भी नंबर पहले लिख सकते हो, माइनस में हमें देखना पड़ता है कि हमें बड़ा नंबर, जो बड़ी डिजिट होती है वो ऊपर हमें बड़ा नंबर लिखना पड़ता है, लेकिन प्लस में आप कोई भी लिख सकते हो। अब ये 4 का है तो ये भी इसके नीचे लिख लो पूरा का पूरा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब पॉइंट से इधर क्या दे रखा है, 0, और उसके बाद दे रखा है 3, ठीक है, और उसके बाद 0 और 8। पॉइंट इधर उधर नहीं होना चाहिए, मेन चीज इसमें यही है। अब 8.5 है तो पॉइंट लिख लो यहाँ, पॉइंट से इधर 5 है और इधर 8 है। अब हमने इसको प्लस करना है, जहां पे कोई डिजिट नहीं है ना वहां 0 लगा दो। अब आप इसको सिंपली प्लस कर लो, 7 8 5.83, सिंपल। ठीक है, ये चीज जो है ना आपने ध्यान रखनी, क्योंकि बस पॉइंट जब प्लस और माइनस जब हम करते हैं ना, तो हमें बस एक ही चीज ये ध्यान रखनी पड़ती है। अब आप देखो 15.0, अब देखो ये नंबर जो है हमें यहाँ पे दिख रहा है 4 डिजिट का, तो इसको सबसे ऊपर लिख लो। अब इसके बाद जो है ये पॉइंट वाला, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 इधर 3 इधर 1। अब ये पॉइंट वाला नहीं है, जो पॉइंट वाला नहीं होता वो हमेशा पॉइंट के लेफ्ट साइड पे आता है 15। अब यहाँ पॉइंट लगा के जहां जहां पे नहीं लिखा हुआ वहां वहां पे आप 0 लगा दो, और फिर आप इसको प्लस कर लो। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 और 8 14 हो गया, 1 और 5 और 1 6 और 3 9, और 1 और 1 2, यहाँ पे पॉइंट आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब आगे भी इसी तरीके से देखो, मैंने पॉइंट के नीचे पॉइंट और जहां पे जो डिजिट नहीं थी वहां पे मैंने उसको 0 लगा दिया। अब हम इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 और 4 10, ऊपर 1 7 और 1 8, 8 और 5 13, 6.72। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरीके से हम इसको प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 5 3.83। प्लस कर सकते हो आप, बहुत इजी है, 6 क्लास तक में आपको प्लस करना इजीली आ जाता, तो आपने सिर्फ इसको सिंपल प्लस करना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपने इसको प्लस करना, हमारा आंसर आ जाएगा 571.31, बस ये आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में फर्स्ट है कि जो रशीदा है, रशीदा स्पेंट ₹35.754 मैथ्स बुक। रशीदा ने इतने पैसे मैथ्स के लिए खर्च किए और इतने पैसे उसने साइंस की बुक्स में खर्च किए। ठीक है, उसने परचेज करी बुक, तो टोटल बताना उसने कितनी मनी जो है वो स्पेंड करी, इतने उसने मैथ्स में स्पेंड किए, इतने उसने साइंस में स्पेंड किए, टोटल कितने स्पेंड करे उसने, तो मनी स्पेंड ऑन मैथ्स बुक इतना और मनी स्पेंड ऑन साइंस बुक इतना, टोटल स्पेंड ऑफ रशीदा कितना स्पेंड किया, दोनों को हमने प्लस कर देना है। आप कर सकते हो रफ में 35.75, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 32, तो कितना आ जाएगा 68.35। तो टोटल जो उसने 68.35 रुपीस जो है उसने स्पेंड किए। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, राधिका की जो मदर है, राधिकाज मदर गेव हर, उस राधिका की मदर ने उसको ₹10.50 और उसके फादर ने उसको ₹15.80 जो है उसको दिए, 10.50 रुपीज और 15.80, एक मदर ने दिए फादर ने दिए, उसके पास टोटल कितने पैसे हो गए जो उसके पेरेंट्स ने उसको दिए, तो मनी गिवन बाय मदर दिस एंड मनी गिवन बाय फादर दिस। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया राधिका के पास, दोनों को हमने इसको प्लस कर लेना, तो प्लस करके आ जाएगा 26.30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नसरीन है, नसरीन ने जो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लोज जो है वो फॉर हर शर्ट के लिए लिया, और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लोज उसने ट्राउजर के लिए लिया, तो फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ बोर्ड बाय हर। तो टोटल कितने लेंथ हो गई उसकी, तो क्लोथ परचेज बाय मेकिंग शर्ट इतना एंड क्लोथ परचेज बाय मेकिंग ट्राउजर इतना। अब देखो यहाँ पे जो यूनिट है ना अलग अलग दे रखी है,
एक मीटर में दे रखा है और एक सेंटीमीटर में, तो हमने दोनों को ही मीटर में करना है, ठीक है। तो हम मीटर में कैसे करेंगे, हमारा बन जाएगा ये 3.20 मीटर, ये हमारा मीटर में बन गया। अब इसको हम करेंगे 2.505 मीटर। कैसे हुआ आपको पता होगा, अगर हमने इसको जो चेंज किया था, हमने सेंटीमीटर को जो है, देखो हमने इसको किस में चेंज किया है, मीटर में चेंज किया है, थ्री तो पहले से ही मीटर में है, ठीक है। तो सेंटीमीटर को हमने किस में चेंज करना है, मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 1/100 मीटर के इक्वल होता है। अभी आपको करवाया था मैंने इसके पहले की एक्सरसाइज में, तो 20 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 20/100 हो गया, 10 से 10 कट गई, और हमारा ये क्या, नीचे 10 है तो ऊपर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये क्या बन गया, 0.2 बन गया, ठीक है। अब 0.2 में अगर हम, अब ये 0.2 में हमने, ये तो पहले से ही मीटर में था, 0.2 में अगर मैं 3 प्लस करती हूँ, देखो 0.2 में अगर मैं 3 प्लस करती हूँ तो क्या बन जाएगा, ये 3.2 बन जाएगा। तो यहाँ पे भी मैंने 3.2 मीटर लिखा है, पॉइंट के बाद के जीरो आप हटा भी सकते हो। तो इस तरीके से ये 3 मीटर 20 सेंटीमीटर का क्या बन जाएगा, 3.2 मीटर लिख सकते हो आप, ठीक है, 3.2 मीटर। ऐसे ही इसको चेंज करेंगे, 2 तो पहले से ही मीटर में है, 5 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो वो 0.5 बन जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो 5 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 5/100, तो नीचे से 2 जीरो हटाएंगे तो ऊपर 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 0.05 बन जाएगा, 0.05 में 2 प्लस करोगे तो वो 2.05 मीटर बन जाएगा। इस तरीके से हमने ना इसको कन्वर्ट करना है, आगे भी करेंगे, क्योंकि जब तक हम इसको चेंज नहीं करेंगे, यूनिट हमें सेम करनी है। अब ये भी मीटर में हो गया, ये भी, तो अब हम इसको जो है वो प्लस कर सकते हैं, 3.2 मीटर प्लस 2.05 मीटर। देखो इसको आप रफ में करना, 2.05 को हम पॉइंट के नीचे पॉइंट और 2 और 3 लिखेंगे तो 5.25 क्या बन जाएगा, 5.25 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि नरेश वॉक 2 किलोमीटर 35 मीटर इन द मॉर्निंग, इनकी नरेश जो मॉर्निंग में इतना वॉक करता है और इवनिंग में इतना वॉक करता है, टोटल कितना वॉक करता है हमने इसमें बताना है, टोटल कितना डिस्टेंस उसने वॉक किया। तो हम यहां लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय नरेश बाय वॉकिंग इन द मॉर्निंग इतना, आप देखो ये किलोमीटर में और ये मीटर में, और डिस्टेंस कवर्ड बाय नरेश वॉकिंग इन द इवनिंग 1 किलोमीटर 7 मीटर। अब हमें दोनों की यूनिट सेम करनी है, तो 2 किलोमीटर 35 मीटर का क्या बन जाएगा हमारा, 2.035 किलोमीटर। आप ना इसको चेंज करके देखना, मैंने आपको सिखाया था ना कि किस तरीके से चेंज करना है, ये तो पहले से ही किलोमीटर में है, आपने मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। अगर आपने 8.5 अच्छे से करी होगी तो आपको ये चेंज करना आ जाएगा, ठीक है। अब 1 तो हमारा पहले से किलोमीटर में, 7 मीटर को जो आप चेंज करोगे तो उसके बाद आपने इसमें 1 भी प्लस कर देना है, तो आपका बन जाएगा 1.007 किलोमीटर। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है, टोटल डिस्टेंस बताना था ना हमने, तो हम क्या करेंगे, 2.035 किलोमीटर को प्लस कर देंगे 1.007 किलोमीटर में। आप रफ में प्लस करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा 3.042 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है, सुनीता ट्रैवल 15 किलोमीटर 268 मीटर बाय बस। अब सुनीता ने जो इतना किलोमीटर बाय बस से गई और इतना किलोमीटर वो कार से गई, उसके बाद जो 50 मीटर है वो पैदल गई, फुट से गई, तो बताना है कि हाउ फार इन हर इज हर स्कूल फ्रॉम हर रेजिडेंस। तो उसका स्कूल जो है उसके घर से कितना दूर है, यानी कि स्कूल जाने के लिए उसको पहले बस लेनी पड़ती है, फिर कार, फिर उसके बाद उसको पैदल भी चलना पड़ता है, तो उसको टोटल डिस्टेंस बताना है स्कूल से लेके घर तक का कितना है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस में वो इतना जाती है, कार में वो इतना जाती है, और पैदल वो इतना जाती है, तो हमें तीनों की यूनिट सेम करनी है, तो पहले से ही मीटर में दे रखा है, ठीक है। तो हमने इसको किसमें चेंज करना है, हमने इसको किलोमीटर में चेंज करना है, 15 तो हमारा पहले से किलोमीटर है, तो 268 मीटर को जब हम किलोमीटर में चेंज करेंगे और उसके बाद हम इसमें 15 प्लस कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 15.268 किलोमीटर। ऐसे ही हमारा पहले से किलोमीटर में, 7 मीटर को जब चेंज करोगे उसमें 7 प्लस कर दोगे तो 7.007 किलोमीटर, और 500 मीटर को जो हम चेंज करेंगे किलोमीटर में तो हमारा बन जाएगा 0.500 किलोमीटर। अब तीनों को हमने क्या कर लेना है, यहाँ पे प्लस कर लेना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस बताना था,
15.268 प्लस 7.007 प्लस 0.500, ठीक है, तीनों किस में है, ये ब्रैकेट में रख लो, तीनों ये किलोमीटर में है, ठीक है। अब तीनों को जो हमने प्लस किया तो हमारा आंसर आएगा, रफ में करके देखना आप, 22.775 किलोमीटर। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, जैसे कि अभी आपको बताया था मैंने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। रवि ने क्या करा, रवि ने परचेज करा है 5 kg और 400 ग्राम राइस लिया है उसने, और 2 kg 20 ग्राम शुगर लिया है, और इतना उसने फ्लोर मतलब आटा लिया, तो टोटल बताना है कितना है, टोटल क्या बताना है, टोटल वेट बताना है तीनों का जो उसने परचेज किया, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ राइस जो है उसने जो परचेज करी है 5 kg और 400 ग्राम हो गई, क्वांटिटी ऑफ शुगर उसने ये परचेज करी है, क्वांटिटी ऑफ फ्लोर। अब देखो इसकी यूनिट जो है हमें अलग दे रखी है, एक हमारा किलोग्राम में है और एक हमारा ग्राम में, तो हमने इसको किस में चेंज करना है, केजी में चेंज करना है। तो 5 हमारा पहले से ही केजी में है, 400 को चेंज करेंगे उसके बाद 5 हम प्लस कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 5.00 किलोग्राम। इसी तरीके से इसको करेंगे, 2 हमारा पहले से केजी में, 20 को चेंज करेंगे उसमें 20 उसके बाद 2 प्लस कर देंगे तो 2.020 किलोग्राम। अब ये पॉइंट के बाद के जो ये जीरो आप हटा भी सकते हो, ठीक है, लेकिन इसको नहीं आप हटा सकते। उसके बाद 10 हमारा पहले से केजी में, 850 को चेंज करेंगे तो उसके बाद 10 उसमें प्लस कर देंगे तो 10.850 किलोग्राम। अब तीनों को हमने क्या कर लेना, प्लस कर लेना, तो 5.400 प्लस 2.020 प्लस 10.850 किलोग्राम, सबको प्लस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 18.270 केजी। सिंपल है बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8.5 कंप्लीट हो जाती है, नेक्स्ट वीडियो में इसकी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे 8.6। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू।